हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा मल्टी कलर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये एक वाइट कलर लिया है, एक ग्रीन लिया है और एक मैंने येलो कलर लिया है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। मेरी ये वर्धमान वाली बेबी वूल है। अगर आप इसको वर्धमान ओसवाल रैबिट गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 प्लाई वाली 3 तार वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। चलिए तो इसको बुनना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, लेडीज जैकेट में भी डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन हमारा ये बन के आएगा। चलिए तो इसको बुनना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 के मल्टीपल फंदे लेके और 3 फंदे प्लस किए हैं। जैसे पहले 8 गिनिएगा, फिर से 8, लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने ये 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे और एक सीधे का। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड से फंदे यहाँ से बढ़ा लीजिएगा। जो बॉर्डर बनाने के बाद लास्ट रो आएगी बैक साइड से, उसमें आप फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि राइट साइड से सीधी तरफ से हमारा ये डिजाइन बनना शुरू होगा। यहाँ से हमारी फर्स्ट रो है और हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर ज्वाइंट कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जैसे हमारे पास थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है तो काफ़ी कलर लगा के आप थोड़े थोड़े और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना लेंगे। तो दो दो रंग की हमारी एक सिलाइयाँ बनती जाएंगी। तो ये फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। 3 फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे, इनको बनाएंगे नहीं। फिर यहाँ से सेकंड कलर से 5 फंदे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन्हीं 8 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे स्लिप करेंगे, 5 फंदे बनाएंगे। तो 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से दूसरा रिपीट हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट में आपको मिलेंगे 3 फंदे, तो 3 फंदे फिर से स्लिप कीजिए। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों उनको ऐसे ही सेट करते जाइएगा। 3 स्लिप 5 बनाएंगे, 3 स्लिप 5 बनाएंगे, 8 फंदों में डिजाइन डलता जाएगा। 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं जो ये बन जाएंगे। तो अब आ जाइए इसकी सेकेंड रो रोंग साइड में। तो जो स्लिप फंदे हैं इन फंदों को हम स्लिप करेंगे, ऐसे इनको स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे। और जो ये 5 फंदे हैं इनको हमने सीधी तरफ से भी सीधा बुना था और रोंग साइड से भी इसको सीधा ही बुनेंगे। ऐसे ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन कलर से बन चुकी हैं। अब फिर यहाँ पर फिर से वाइट कलर लगाएंगे। ये हमारे थर्ड रो है। तो ये जो बुने हुए फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, स्लिप फंदे हैं जो इनको सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये ग्रीन कलर के फंदे हैं इनको यहाँ से फिर उल्टा बनाएंगे।
दो सिलाइयों में हमने इनको सीधा बनाया था, अब ये थर्ड रो है, यहाँ से इनको उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और फिर से ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदे जो ग्रीन कलर के हैं इनको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से जो ये स्लिप फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में, फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो को पूरी को वाइट कलर से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे यहाँ से उल्टे बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। अगर आपके पास स्वेटर बुनते बुनते थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है तो सभी कलर लगाते हुए इसको फुल मल्टी कलर में आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। जिसको उल्टा सीधा फंदा बुनना आता है वो भी इस डिजाइन को आराम से डाल लेंगे। सिर्फ उल्टी सीधी सिलाई बनाएंगे और डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो ये फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड से बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए इसके पांचवें सिलाई में। तो अब यहाँ से हम अपना तीसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे। पहले हमने फर्स्ट रो में तीन फंदे स्लिप किए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पांचवीं रो में ये डिजाइन चेंज होगा, ये डिजाइन यहाँ बीच में आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जो ये पांच फंदे हैं हमारे यहाँ पे, ये ग्रीन धागे से बने हुए हैं, इनके बीच के तीन फंदों को हम स्लिप करेंगे। तो स्टार्टिंग के अब हम यहाँ पर चार फंदे थर्ड कलर से बना लेंगे। तो यहाँ मैं येलो कलर ज्वाइंट करूँगी। इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे। ये तीन फंदे स्लिप थे ये बुन लिए। अब ये पांच फंदे हैं, इनमें से एक फंदा ये बुन लेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा। तो बीच वाले जो तीन फंदे हैं इनको हम स्लिप करेंगे। तो ये तीन फंदे बुन लिए, इन तीन फंदों को स्लिप करेंगे। एक ग्रीन का फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया, एक फंदा यहाँ पे बुन जाएगा। पांच फंदे हैं, बीच के तीन फंदों को स्लिप करेंगे। तो फिर से पांच फंदे येलो के बनाएंगे, दो तीन चार पांच, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे। लास्ट में फिर से आपके चार फंदे येलो आ जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ उल्टी सीधी सिलाई बनाते हुए जाना है और डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये डिजाइन अब हमारा इनके बीच में आता चला जाएगा। इसे अब यहाँ से बनाएंगे सिक्स रो। सिक्स रो को फिर से ऐसे ही बनाएंगे, जो ये येलो फंदे हैं इनको यहाँ से भी सीधा ही बनाएंगे, दो तीन चार। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से पांच फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से लास्ट के चार फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी छठी सिलाई बनके कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में सातवीं सिलाई में। यहाँ से फिर से हम येलो कलर वाइट कलर लगाएंगे। तो जो ये येलो फंदे हैं इनको यहाँ से उल्टा वाइट से बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब धागे को पीछे करेंगे और जो ये स्लिप फंदे हैं इनको अब यहाँ पर सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये
पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब ये स्लिप फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी सेवंथ रो राइट साइड से बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में, एट्थ रो में। ये यहाँ से हमारी आठवीं सिलाई है, इसको पूरी को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, लेडीज कार्डिगन में, लेडीज स्वेटर में, किसी में भी डालिए, ब्लैंकेट में, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। और किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं, टू कलर में भी बना सकते हैं और आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। यहाँ से इस रो को पूरे को उल्टा बना लीजिए। तो डिजाइन हमारा चार सिलाइयों का ही है और आठ सिलाइयों में हमारा डिजाइन ओवर हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। अब फिर जो फर्स्ट रो थी उसी को रिपीट करेंगे। तो एक बार आपको फिर से बना के दिखा देते हैं ताकि आपको दोबारा डिजाइन डालने में परेशानी ना हो। तो ये तीन फंदे यहाँ पर स्लिप करेंगे और अब पांच फंदे फिर से ग्रीन के बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे बनाएंगे। आठ फंदों का डिजाइन है, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे। ऐसे ही फंदों को सेट करते जाएंगे और प्यारा सा डिजाइन डल जाएगा। तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा। जब आप इन चार चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन हमारा ये बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। बैक साइड से ये इस तरह से नजर आएगा, बगैर धागा घुमाए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन हमारा बन जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा कलर लगाना चाहते हैं तो दो सिलाई ग्रीन की, फिर दो वाइट की, फिर दो येलो की, फिर आगे आप और कलर लगा सकते हैं। अलग अलग कलर लगाते हुए भी आप इसको फुल मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।